फॉर एनीवन जो भी व्लॉग स्टार्ट करता है, वीडियोस क्रिएट करता है, उन सबको पता है कि एक फ्रेम की क्या कीमत होती है। फ्रेम मतलब जिस फ्रेम में आप मुझे देख रहे हो। फिलहाल तो मैं व्लॉग कर रहा हूँ इस समय अपने GoPro से विदाउट एनीथिंग। सो आई विल अपग्रेड माई GoPro एंड आई विल शो यू कि दैट वॉट डिफरेंस इट मेक्स एंड हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स। क्योंकि इसको रॉ चीज़ के अंदर आपने ऑलरेडी देख लिया है एंड मैंने इसके ऊपर जितनी एक्सेसरीज लगाई हैं ये लगाकर भी आपने देख लिया GoPro कैसा लगता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू ऑल दैट हाउ आई मेड माई कंप्लीट GoPro सेटअप। GoPro की जो कंप्लीट एक्सेसरीज हैं वो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू यूज़ दैट सेटअप फॉर माई मोटो ब्लॉग। तो इस चक्कर में मुझे ये चीज़ में जाना पड़ा। सो अगर आप एक GoPro ऑन करते हो, अगर आप एक ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन टू मेक योर GoPro एंड ऑल राउंडर कैमरा, क्योंकि आप इससे फोटोज क्लिक कर सकते हो। इन दिस नोट आई विल गो टू चैनल शॉप टूडे, लूंगा इसकी मैं सारी एक्सेसरीज एंड आई विल शो यू दैट टू विच शॉप आई विल गो। मैंने एक शॉप वहाँ पर देखी है, दैट इज़ अमृतसर फोटो स्टोर। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ से लेंगे हम सारी GoPro की एक्सेसरीज, दिखाऊंगा एंड उसका प्राइस ज़रूर शेयर करूँगा। बिकॉज GoPro का जो माइक अडाप्टर है वो अमेजोन पर कुछ 17,000 रुपये का मिल रहा है। आई डोंट नो वाई दिस प्राइस हाइक इज देयर, क्योंकि इंडिया के अंदर उसकी सप्लाई नहीं है आफ्टर ऑल। जो भी होता है, जैसा भी होता है, बी यू, क्रिएट न्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। बाइक पर तो आज मैं जाऊंगा नहीं कि कैसे जाया जाता है चांदनी चौक में, क्योंकि अगर आप वहां पर बाइक लेके घुस तो आपका जो लेफ्ट हैंड है ना क्लच दबा दबा के वो तो। और जितने भी मोटो ब्लॉगर्स, यस द इनिशियल स्टार्टअप मोटो ब्लॉगर्स, ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड एंजॉय। नहीं, यहाँ कोरोना नहीं है, डोंट वरी, यहाँ कोई नहीं मास्क पहनता, क्योंकि यहाँ कोरोना भी नहीं है, समझे। यकीन नहीं करोगे लेकिन यहाँ 15 किलोमीटर आने में मेरे को लग गया है ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा। सो दिस इज द कंप्लीट पार्किंग। अगर आपको कभी इस मार्केट के अंदर आना है तो फिर ये कोशिश करना कि लाल किले के पास आपकी पार्किंग हो और उसके बाद आप पैदल चलकर आओ, और गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग आओगे तो ज़्यादा बढ़िया है। मैंने ये ना मान के ज़्यादा गलती कर दी। मैंने सोचा था कि मुझे जो रास्ता पता है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन वो जो रास्ता था उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, और ऐसे ही सारे के सारे रास्ते थे ब्लॉक। इस चक्कर में मैं हो गया बहुत बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि ढूंढने में भी टाइम लगता है। अब मैं आपको एक चीज़ ज़रूर दिखा देता हूँ, यहाँ पर सारी की सारी कैमरा शॉप्स हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। As you can see, there is Red Fort, and here is a big building for SBI. SBI के एकदम सामने ही पड़ जाती है यहाँ पर, यहाँ पर ये शॉप जिसके अंदर सारी की सारी कैमरा एक्सेसरीज एंड A to Z सारा सामान मिल जाता है यहीं पर। मोमेंट पर मैंने रिकॉर्ड बटन दबाया पर उससे वो ऑफ हो गया, पता नहीं क्या हुआ था। लास्ट मोमेंट पर मैंने एक मैसेज दिया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वो मैं मैसेज देता हूँ आपको अब एंड अपना सामान दिखाता हूँ एंड उसका प्राइस बताता हूँ आप सब। इट्स ऑलवेज ट्रू टू से दैट यू कांट कैरी योर DSLR एवरीवेयर टू ब्लॉग, मतलब इससे ब्लॉग करना, एंड इसका जो लेंस है वो वाइड नहीं है। अगर मैं इसके लेंस में सिर्फ इन्वेस्ट करता तो 22,000 to 23,000 का सिर्फ लेंस आता, उसके अंदर मुझे वाइड ज़रूर मिलता लेकिन कॉम्पैक्टेबिलिटी ना मिलती। तो GoPro के अंदर मैंने ये सेटअप लेकर ये किया। एक तो इसका पर्सपेक्टिव काफ़ी वाइड है, मतलब अभी ना ये लीनियर मोड पर है, लीनियर मोड पर मतलब थोड़ा फ्रेम ना थोड़ा छोटा हो जाता है, वाइड के अंदर काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाता है, तो लीनियर एकदम करेक्ट है, मैं ठीक ठाक दिख जाता हूँ इसके अंदर। सो मैंने GoPro के अंदर लिया है दिस कंप्लीट सेटअप। सो दिस इज़ द उलानजी केस दैट आई हैव गॉट, एंड इसके ऊपर जो आप ये ग्लास देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली नॉट ग्लास, इसके ऊपर एक यूवी फिल्टर लगा हुआ है, इसके ऊपर एक अटैचमेंट लगी हुई होती है लाइक दिस एंड ये लग जाती है। इसके ऊपर एक अंदर रिंग होती है जहाँ पर आप यूवी फिल्टर लगा सकते हो, वेदर इट इज़ ND फिल्टर और यूवी फिल्टर। सो आई टुक अ 52mm यूवी फिल्टर एंड दिस लुक सो प्रोफेशनल यार, जो इस गेम का जो बाप बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, विच इज़ दिस स्मॉल थिंग।
इसके बिना यू कांट इवन एनी माइक इन योर GoPro, मतलब इसके बिना इम्पॉसिबल है. एंड इसकी जो डिमांड है, आई थिंक द डिमांड इज हाई एंड द सप्लाई इज लो. 18,000 रुपीज तक Amazon पर ये चीज़ मिल रही है. कैन यू जस्ट इमेजिन जो पहले मिलती थी 3,000-4,000. कमेंट करके ज़रूर बताना क्या ये माइक अपग्रेड करना ज़रूरी था या नहीं. सरप्राइजिंगली कि आगे काफ़ी सारे अच्छे प्लान्स आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं ये जो माइक है एंड जो ये सेटअप है ये अपग्रेड कर रहा हूँ. एंड कमरा जो आपको फैला हुआ मैंने शुरू में दिखाया था उसका भी एक ज़रूर अच्छा रीज़न है, वो आपको देखने को मिलेगा, जो आपको ट्यूसडे को देखने को मिलेगा. सो गाइस स्टे ट्यून्ड टिल दैट. ओके सो माय रोड डायरेक्शनल माइक लग चुका है, सेटअप हो चुका है. एंड एक बार यार मैं इसकी लुक एंड फील दिखा दूँ तो काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है. ओके जस्ट लुक एट दिस थिंग. ओ माय गॉड दिस इज काइंड ऑफ ह्यूज, मतलब DSLR के साइज का ही हो चुका है एकदम. पर कोई बात नहीं, दिस लुक्स एब्सोल्युटली मिनी एंड क्यूट. दिस लुक्स अ क्यूट व्लॉगिंग सेटअप. बट द क्वालिटी दैट GoPro विल ऑफर, आई डोंट थिंक दैट एनी अदर कैमरा विल ऑफर दैट काइंड ऑफ क्वालिटी. सो अगर आपको वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो एंड आपको मेरी आवाज़ अच्छी लग रही हो सो प्लीज़ कमेंट. आवाज़ अच्छी है नहीं लेकिन सुनने में क्लियर लग रही हो, क्रिस्प लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना. एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आप यहाँ पर नए हो तो. एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, तीन चीज़ें बोली हैं. वीडियो बनाने में मेरा पूरा दिन जाता है लेकिन आपका सिर्फ एक मिनट लगेगा सब्सक्राइब करने में. एंड साइड में बेल आइकन है उसको दबा दो. सो ये जो उलांजी का केस था, दिस वॉज ऑलमोस्ट 1200-1400 रुपीज तक ये रेंज करेगा आपका. सेकेंड थिंग, मैंने एक लेपल माइक लिया था. लेपल माइक आपको दिखा दूँ मैं एक बार. मैंने के ऊपर मोटो ब्लॉग सेटअप के, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो ये माइक इसके अंदर लगा हुआ है. सो ये लेपल माइक लेने का मतलब ये था कि मैं मोटो ब्लॉग आराम से कर सकूँ एंड ये प्लग एंड प्ले हो जाए. अब ये प्लग एंड प्ले हो जाए. लेपल माइक लिया था मैंने 300 रुपीस का, दैट वाज 2.0 क्योंकि 3.5 mm वाले जैक आते हैं. दिस वाज 2.0 क्योंकि GoPro 2.0 सपोर्ट करता है. ये दो चीज़ हो गई. इसका जो माइक अडाप्टर है विच इज़ द मेन थिंग, ये चीज़ पड़ी मुझे अप्रॉक्सीमेटली 4,000 रुपीस की. येस दिस वॉज द चीपेस्ट प्राइस दैट अमृतसर फोटो शोर ऑफर्ड मी और मैं इसको रिजेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है. कि सो वीडियो अच्छी लगी यहाँ तक तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. बी यू, क्रिएट न्यू फॉर एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सुपर सून. एंड ये जो तैयारियाँ हैं, अगली वीडियो आएगी कार की, कुछ अच्छी अपग्रेडेशन कर रहा हूँ अपनी कार के अंदर, वो भी ज़रूर देखना. देखते हैं कहाँ ले जाती है डेस्टिनी हमारी. एक अच्छा सा प्लान बन रहा है, आप सबको इंडल्ज करने का बहुत ज़्यादा मन है. होप फॉर द बेस्ट. बाय बाय, टेक केयर.